एक औरत ससुराल में सारा दिन काम करने के बाद भी ताने सुनती है, और एक मर्द को कोई ससुराल में कुछ बोल दे तो वो ससुराल में जाना ही छोड़ देता है। हाँ यार, यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है यार। लेकिन एक बात बताओ, उन औरतों का क्या जो इन तानों का बदला अपने पति का खून चूस के निकाल लेती हैं और 12 महीने पति की छाती पर बैठकर मुंह दलती हैं, मायके जाती ही नहीं है यार। अब बताओ, जब पत्नी अपने मायके नहीं जा रही है तो पति ससुराल क्या करने जाएगा? और वैसे तुम भी तो अपने पापा के घर बहुत टाइम से नहीं गई ना। अच्छा सुनो, मैं ना एक हफ्ते के लिए अपने घर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? खाना वाना टाइम पे बना लिया करना और खा ले। क्या यार, तुम्हारा हर हफ्ते का हो गया ये? हर महीने एक हफ्ते के लिए घर जाना है, एक हफ्ते के लिए घर जाना है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार। पिछले महीने भी गई थी, लगता है दूसरी लानी ही पड़ेगी। क्या क्या लानी पड़ेगी दूसरी? क्या कहा? अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये कंघी, ये तुम भी यूज करती हो, ये मैं भी यूज करता हूँ, दोनों यूज करते हैं ना, तुम लेके चली जाती हो तो मुझे दिक्कत होती है, ये कह रहा था, दूसरी लानी पड़ेगी। कंघी नहीं है ये, कंगा है ये। क्या? अच्छा, इसे लाई नहीं जाता, इसे लाया जाता है। मैं तो इसे आज तक कंघी समझ के यूज कर रहा था, कंगा है ये। चलो ठीक है। बच गया भाई। सुनो, पता है भाभी का फोन था और भैया ने एक और फ्लैट लिया है, कितनी खुशी की बात है ना। एक और फ्लैट ले लिया मतलब? एक साथ दो दो फ्लैट में रहेंगे क्या? EMI पे लिया होगा, वैसे भी बैंक का कर्जा लेके प्रॉपर्टी बढ़ाने से फायदा क्या है। तुम्हें पता, तुम्हारी खुद की घर की EMI ना सैलरी आने से पहले कट जाती है। 100% लोन पे तुमने गाड़ी ले रखी है, और तुम्हारे जो घर के तमाम AC कूलर और फ्रिज ये सामान है ना, ये सब EMI पे है। और तुम्हारे जो फोन जिसमें तुम घुसे रहते हो ना, इसकी भी किस्तें जाती हैं। बड़े आए, आता है ना बातें बनाना। और दूसरे को कुछ बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लिया करो। सुनो, AC तो यार कैश लिया था हमने, तुम भी तो साथ में गई थी। मौसम ने सबसे ज्यादा कंफ्यूज नारियल के तेल को किया है, उसे समझ में नहीं आ रहा जमे या पिघल जाए।